नमस्कार, पीटीसी एवं एलआईडीसी की इस प्री लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं रविंद्र पुरोहित आपके पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर से आज आपको डिजाइनिंग ऑफ फिटिंग के बारे में बताऊंगा। यह डिजाइन ऑफ फिटिंग का पहला पार्ट है। इसके अंदर हम फिटिंग को कैसे डिजाइन करते हैं उसकी थ्योरी पढ़ी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी फिटिंग की। फिटिंग किस चीज के लिए कार्य करती है, फिटिंग का एक स्ट्रक्चर में क्या रोल है। तो विद्यार्थियों, अभी तक हमने जो भी आरसीसी के अंदर डिजाइन किया, जो भी पढ़ा है, वो हमारा हमने सुपर स्ट्रक्चर का डिजाइन पढ़ा। क्योंकि हम जानते हैं हम स्ट्रक्चर को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर आपने बिल्डिंग टेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा, जो प्लिंथ से ऊपर का पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर। जो प्लिंथ के नीचे का पार्ट है वो कहलाता है आपका सब स्ट्रक्चर या फाउंडेशन। तो सब स्ट्रक्चर का बेसिक जो पर्पज है वो क्या है कि हमको जो भी हमारा लोड ऊपर लग रहा है हमारे स्ट्रक्चर पे, बिल्डिंग पे, उसका जो एक्सटर्नल लोड्स है, उसके सेल्फ वेट है, उसको हमको सेफली ग्राउंड पे ट्रांसफर करना। तो जैसे हमने सबसे पहले डिजाइन करना सीखा बीम्स, बीम्स के बाद में हमने स्लैब डिजाइन करी, स्लैब के बाद में हमने कॉलम डिजाइन की। जो लोड है हमारा ट्रांसफर होते होते अभी कॉलम तक पहुँच चुका है। अब हमको इस लोड को कॉलम से फुटिंग के थ्रू ग्राउंड पे ट्रांसफर करना। दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ दिस फाउंडेशन। और ये जो लोड ट्रांसफर हमारा कराना है, ये हमारा लोड जो है वो सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी से एक्सेस नहीं होना चाहिए। अब यदि आगे हम बात करते हैं तो आता है कि हमारी जो फाउंडेशन होती है, हमारी जो सबस्ट्रक्चर होती है, वो कितने प्रकार की हो सकती है। तो सबस्ट्रक्चर जो है हमारी फुटिंग फाउंडेशन जो है दो तरीके से बनाते हैं हम। एक तो आइसोलेटेड फुटिंग यूज़ करते हैं, दूसरी यूज़ करते हैं कम्बाइंड। ये डेल में हम पढ़ चुके हैं किसमें, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी में सेकेंड ईयर। अभी हम जरा इसका एक ओवरव्यू अभी हमारे को पढ़ना है, हमको देखना है कि फुटिंग बेसिकली कितने टाइप्स की हो सकती है। आइसोलेटेड फुटिंग स्क्वायर फुटिंग हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है, एज पर आवर रिक्वायरमेंट। इसी तरीके से अगर कम्बाइंड फुटिंग से फॉर एग्जाम्पल हमको दो तीन पार्ट कम्बाइन करके फुटिंग बनानी है, तो वो रेक्टेंगुलर, ओवल, ट्रेपेजॉइडल, कंटिन्यूअस, स्ट्रैप फुटिंग्स, मैसनरी वॉल्स के नीचे यूज करते हैं, राफ फुटिंग जहाँ पर साइड की बेयरिंग कैपेसिटी कम है वहाँ पे हम राफ फुटिंग यूज करते हैं, पाइप फाउंडेशन सेम थे जहाँ पे ब्रिजेस वगैरह में पाइप फाउंडेशन यूज करते हैं, वेल फाउंडेशन सीज में जहाँ पे भी हमको वाटर लेवल ज़्यादा है वहाँ पे हम वेल फाउंडेशन यूज कर सकते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में जो हमको मेन करना है, हमको डिजाइन करना है, वो है आइसोलेटेड फुटिंग्स। कौन सा है, आइसोलेटेड फुटिंग। और उसमें भी प्राइमरली हम लोग फोकस करेंगे स्क्वायर आइसोलेटेड फुटिंग। जो हमारे एग्जाम में अभी तक आए हैं वो क्वेश्चन जनरली स्क्वायर फुटिंग्स पे ही आएंगे, बट अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो जनरल एक रेक्टेंगुलर आइसोलेटेड फुटिंग। आइसोलेटेड फुटिंग जो आपकी एक सिंगल कॉलम के लिए एक फुटिंग। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो भी आरसीसी का डिजाइन होता है वो गवर्न होता है IS 456। तो सिमिलरली जीएस प्रकार से बीम्स, स्लैब्स और कॉलम्स में भी आपके IS 456 में रिकमेंडेशन दी थी। इसी तरीके से आइसोलेटेड फुटिंग के डिजाइन के लिए भी बहुत सारे प्रोविजन IS 456 में दे रखे हैं। तो सबसे पहला प्रोविजन जो दे रखा है IS 456 में वो ये है कि जो आपका ये कॉलम है, ये दिस इज योर कॉलम और ये इसके नीचे फुटिंग, ये आइसोलेटेड फुटिंग है, फिर भी ड्रॉइंग के माध्यम से आपको बताया गया है। तो सबसे पहले कोड अपनी 34 पे ये कहता है कि जो ये थिकनेस है ये एज की, ये एज की थिकनेस आपकी 150 mm से कम नहीं होगी, ठीक है, 150 mm से कम नहीं होगी। दूसरा जो मेन इसकी बात आती है वो आती है आपकी मोमेंट्स एंड फोर्सेस। तो मोमेंट एंड फोर्सेस के लिए IS 456 कहता है कि जो आपका ग्रेटेस्ट बेंडिंग मोमेंट टू बी यूज इन द डिजाइन ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग। हम हमेशा रिइंफोर्समेंट से ये निकालते हैं, जो हाईएस्ट बेंडिंग मोमेंट होता है उसके लिए निकालते हैं, और बाद में हम जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट हमारा कम हो रहा है वहाँ पे हम उस रिइंफोर्समेंट को कंटेन करते हैं। तो जो इस केस में हमको निकालना है बेंडिंग मोमेंट, वो हमको निकालना है कहाँ पे, तीन केसेस बोलता है कोड कि एट द फेस ऑफ द कॉलम, मतलब कि ये जो आपके फुटिंग दिखा रखे हैं ये कॉलम का फेस दे रखा है इस तरफ या इस फेस से, एट द फेस ऑफ द कॉलम, पेडेस्टल और ग्राउंड। कॉलम हो सकता है, पेडेस्टल हो सकता है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कॉलम और पेडेस्टल में क्या डिफरेंस है, वॉल आपको पता ही है, और फुटिंग सपोर्टिंग कॉन्क्रीट कॉलम, पेडेस्टल और वॉल। ओके, आपको इसके फेस पे निकालना, ठीक है। दूसरा
हमारे लिए अभी यही केस काम आएगा सिर्फ, कौन सा ये वाला केस काम आएगा सिर्फ और सिर्फ एट दी फेस ऑफ द कॉलम पेडेस्टल और वॉल। अभी हमें कॉलम का डिजाइन करने के हमारे को सिर्फ कॉलम के ऊपर जो डिजाइन कॉलम के फेस काम को देखा। दूसरा जो पेज आ जाता है वो आता है आपका मेसनरी वॉल्स के लिए। मेसनरी वॉल्स में क्या कंडीशन बता रहा है कोड, हाफ वे बिटवीन द सेंटर लाइन एंड द एज ऑफ द वॉल, जो वॉल की एज है और उसकी सेंटर लाइन है इन दोनों के बीच, यही हमारी वॉल है। लेकिन हमारे प्लेयर में उनको सिर्फ क्या करना है एज दी बेस ऑफ द कॉलम वाली कंडीशन दिखा रहा है जो हमको डिजाइन करना। नेक्स्ट आ जाता है शीयर और बॉन्ड के लिए। तो शीयर एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है आपका फिटिंग डिजाइन के लिए। तो कोड इसके अंदर वही पे 65 पे कहता है क्योंकि शीयर स्ट्रेंथ ऑफ फिटिंग इज गवर्न बाई मोर सीवियर ऑफ द फॉलोइंग टू कंडीशन। दो कंडीशन होगी, पहली कंडीशन हम देख लेते हैं क्या है। पहली कंडीशन है वन वे शीयर। वन वे शीयर को एक रेली डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है कि आपका जो ये पार्ट है, जो ये लाल रंग रेड कलर में ये फेस दिखाया है कि ये फुटिंग का पार्ट इस तरीके से शेयर ऑफ हो रहा है इस बाकी के पार्ट से। तो ये जो आपका रेड पार्ट दिखा रखा है ये कॉलम के फेस से कितने डिस्टेंस पे है, डी डिस्टेंस पे है। यहाँ पे कोड भी इसी लैंग्वेज में बोलता है द फुटिंग एक्टिंग एसेंशियली एज ए वाइड बी विद अ पोटेंशियल डायगोनल क्रैकिंग। डायगोनल क्रैकिंग क्यों, क्योंकि शेयर की तरफ से जो क्रैक्स होते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में, जो शेयर क्रैक्स होते हैं वो हमेशा डायगोनल होते हैं। और जो हमारे टेंशन के कारण, एक्सियल टेंशन के कारण जो क्रैक्स डेवलप होते हैं बीच में या जिस भी हम मेंबर की बात करें उसके अंदर वो क्रैक्स होते हैं उसके उसके 90 डिग्री पर, ठीक है। तो ये जो क्रैक्स होते हैं शेयर वाले क्रैक्स, ये होते हैं डायगोनल क्रैक्स। तो जो कोड कहता है कि क्रिटिकल सेक्शन फॉर दिस कंडीशन शैल बी अज्यूम्ड एज अ वर्टिकल सेक्शन लोकेटेड फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम पेडेस्टल और वॉल एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फुटिंग, जो आपकी फुटिंग की इफेक्टिव डेप्थ है उससे के बराबर डेप्थ आपको कॉलम के फेस से मिलेगी। द क्रिटिकल सेक्शन फॉर दिस कंडीशन शैल बी अज्यूम्ड एज अ वर्टिकल सेक्शन फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम, ओके। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका आ जाता है दैट इज कॉल्ड योर टू वे शेयर। टू वे शेयर में क्या होगा, आपको टू वे शेयर में या पंचिंग शेयर, आप देख रहे होंगे ये कॉलम जो है इस फुटिंग के अंदर इस तरीके से पंच किए पंच करने के लिए एक्ट कर रहा है, इट इज एक्टिंग लाइक द पंचिंग, धस रहा है उसके अंदर। तो इस केस में जो आपको क्रिटिकल सेक्शन लेना है वो लेना है आपको एट ए डिस्टेंस डी बाई टू फ्रॉम ऑल राउंड ऑफ द कॉलम, कॉलम के चारों तरफ डी बाई टू, जो इफेक्टिव डेप्थ क्या कौन सी यहाँ पे फुटिंग की इफेक्टिव डेप्थ, ये फुटिंग है, फुटिंग की इफेक्टिव डेप्थ क्या हो जाएगी, इसके नीचे से हम कवर माइनस कर लेंगे तो जो डेप्थ बचेगी वो हमारी इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगी। तो जो इफेक्टिव डेप्थ है उसका आधा कॉलम के चारों तरफ हमको एज्यूम करना है। तो वो जो डिस्टेंस होगी उस डिस्टेंस पे हमको शेयर कैलकुलेट करना है। तो शेयर जो होगा वो इस टोटल फेस द्वारा रजिस्ट किया जाएगा इन चारों फेसेस के अंदर। इस केस में केवल इस रेड फेस जो है ये रजिस्टिंग शेयर फोर्स करेगा, आपका शेयर रजिस्टर करेगा, और यहाँ पे ये जो टोटल चारों तरफ से इसको जो रजिस्टेंस मिलेगी वो इन चारों ग्रीन रेड फेसेस से रजिस्टेंस मिलेगी। और जो पूरा शेयर फोर्स लगेगा नीचे से इसके सॉइल प्रेशर एक्ट कर रहा है, दैट सॉइल प्रेशर विल टेंड टू शेयर टॉप, और इसी तरीके से यहाँ पे भी ये शेयर में सेम एक्शन करेगा, ठीक है। शीयर रिइंफोर्समेंट के बाद बात करेंगे हम टेंसाइल रिइंफोर्समेंट की। हमारी जो फिटिंग है इसके अंदर हमको टेंसाइल रिइंफोर्समेंट कितना प्रोवाइड, तो टेंसाइल रिइंफोर्समेंट हमको प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारी फिटिंग है वो वन वे और टू वे, जैसे कि हमने स्लैब में देखा था कि वन वे स्लैब की थी, इसी तरीके से जो फुटिंग है वो भी वन वे शेयर या टू वे शेयर, जो उसके क्रिटिकल क्राइटेरिया है वो फेल हो रही है। तो अगर वन वे रिइंफोर्स है और जैसा कि यहाँ पे कोड हमारा रिकमेंड कर रहा है कि 4.3 65 पे कि वन वे रिइंफोर्स फिटिंग है और जो कि स्क्वायर है, तो उसके अंदर आपको जो रिइंफोर्समेंट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देना दोनों पूरी वेट के अंदर दोनों। इसी तरीके से टू वे है तो दोनों डायरेक्शन में, वन वे है तो एक डायरेक्शन में, दूसरे डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन होती है। लेकिन यदि आपकी रिइंफोर्स्ड रेक्टेंगुलर टू वे फिटिंग है, मतलब कि
कि यहाँ पे डिफरेंस क्या आ गया कि आपके स्क्वायर की जगह कौन सी होगी, रेक्टेंगुलर की जगह होगी, तो आपको जो लॉन्ग डायरेक्शन में रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है वो तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना पूरे में, रिइंफोर्समेंट इन द लॉन्ग डायरेक्शन शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अक्रॉस द फुल वर्थ ऑफ, बट जो शॉर्ट डायरेक्शन में आपको रिइंफोर्समेंट देना है उसमें सेंट्रल बैंड देना है इक्वल टू द विड्थ ऑफ फुटिंग अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द फुटिंग and the portion of the reinforcement determined in accordance with the equation is ये जो equation है equation के आधार पर, अब इस equation में आप देखेंगे क्या आपको चाहिए beta, beta यहाँ पे आपका है long direction और short direction का ratio, इस ratio से आपको जो central band में reinforcement देना है वो आप निकालेंगे, ठीक है, और जो बचा हुआ reinforcement है वो आपको outer portion में सेंट्रल बैंक के अलावा जो कुछ भी। अब ये तीनों क्राइटेरिया में से हमारे काम का क्राइटेरिया कोड में कौन सा, वो हमारे काम का क्राइटेरिया कोड में सिर्फ ये है कि वन वे और टू वे, कि टू वे है और स्क्वायर है। हमने जैसा मैंने एक चैप्टर के शुरू होने में पहले बताया कि एग्जाम में जनरली आपको स्क्वायर क्वेश्चन होता है, तो स्क्वायर क्वेश्चन में आपको यही टू वे क्राइटेरिया में ध्यान रखना, दोनों डायरेक्शन में इक्वली रिइंफोर्समेंट डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। अब आ जाता है कि नॉमिनल रिइंफोर्समेंट कितना देना, नॉमिनल रिइंफोर्समेंट का वही क्राइटेरिया जो सॉलिड स्लैब, सॉलिड स्लैब कौन सी होगी, स्लैब जो अभी आपने पहले पढ़ी है वन ईयर टू स्लैब पढ़ी आपकी सॉलिड स्लैब से, तो उनमें जो मिनिमम रिइंफोर्समेंट की क्राइटेरिया है वो सेम टू सेम एप्लीकेबल होंगे आपके फुटिंग के लिए, और ये दे रखें क्लॉज 34.5(a)(66). इसके अलावा एक एडिशनल क्राइटेरिया कोड्स में ये प्रोवाइड करता है जो कि स्पेसिफिकली एप्लीकेबल है आपका एक मीटर से ज़्यादा डेप्थ की जो फिटिंग होंगे उनके ऊपर, उसके अंदर कोड कहता है कि आपको 360 mm स्क्वायर पर मीटर लेंथ जो है दोनों डायरेक्शन में दोनों फेस पे देना कंपलसरी, लेकिन इस क्राइटेरिया के लगने के साथ में ये नहीं है कि आप कोई दूसरा क्राइटेरिया उसको सुपरसीड कर दें, उसको छोड़ दें, इसके बाद में कोड नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आती है दैट इज कम फॉर द कवर ऑफ द रिइंफोर्समेंट, कवर टू द रिइंफोर्समेंट, आपको फुटिंग के अंदर मिनिमम कवर कितना प्रोवाइड कराना है, मिनिमम कवर आपको प्रोवाइड कराना है 50 mm का क्लियर कवर, ठीक है, ये जो भी कवर हम बात करते हैं हमेशा क्लियर कवर की बात करते हैं, क्योंकि जो कवर आपका होता है वो आपको पूरी जो मेन रिइंफोर्समेंट है उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचाता है, क्योंकि अगर जैसे ही आपका रिइंफोर्समेंट एक्सपोज हो गया टू एनवायरनमेंट या टू वाटर या टू कंबाइंड वाटर एंड ऑक्सीजन, तो आपका रिइंफोर्समेंट कोरोड होना चालू हो जाएगा, और जो हमारा पर्पज है रिइंफोर्समेंट का कॉन्क्रीट के अंदर वो फुलफिल नहीं होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो हमारी आइसोलेटेड रेक्टेंगुलर फुटिंग है उसको डिजाइन करने के लिए जनरल स्टेप्स क्या है, ये जनरल स्टेप्स हैं आपको स्पेसिफिकली पर्टिकुलर जब आप प्रैक्टिकली डिजाइन करते हो तो कई अलग प्रोसेसिंग भी अप्लाई हुई पड़ सकती है, ये जो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ ये इसके जनरल स्टेप्स, ठीक है, जनरल डिजाइन स्टेप आपके रेक्टेंगुलर फुटिंग को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या क्या चाहिए फुटिंग डिजाइन करने के लिए, हमको चाहिए सबसे पहले कॉलम पे लोड कितना आ रहा है, जिस भी सॉइल का डिजाइन कर रहे हैं उसकी सेफ बियरिंग कैपेसिटी कितनी है, जो भी हम कॉन्क्रीट यूज करने वाले हैं उसका ग्रेड क्या है, जो भी हम स्टील यूज करने वाले हैं उसका ग्रेड क्या है, ये मिनिमम चीज़ें, ये मिनिमम हमारी रिक्वायरमेंट है जो हमको पहले से पता होनी चाहिए किसी भी आइसोलेटेड रेक्टेंगुलर फुटिंग को डिजाइन करने, यहाँ पे हम पूरे स्टेप जो देखेंगे उसमें रेक्टेंगुलर फुटिंग को देखेंगे, बट स्क्वायर फुटिंग होगी तो आपका ये प्रॉब्लम थोड़ी आसान हो जाएगी, क्योंकि उसके दोनों डायमेंशन जो रहेंगे शॉर्ट और लॉन्ग दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कि वो जो भी फिटिंग है जो कॉलम को सपोर्ट करने वाली है, कॉलम का लोड ग्राउंड पे ट्रांसफर करने वाली है, उसका एरिया कितना होगा, तो एरिया निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, डब्ल्यू सी, डब्ल्यू सी हम देखते हैं क्या है, डब्ल्यू सी है आपका लोड ऑन कॉलम, तो जो आपका कॉलम पे जो भार आ रहा है वो कितना, इसके बाद में आ जाता है डब्ल्यू एफ, डब्ल्यू एफ इज योर सेल्फ वेट ऑफ कॉलम, जो आपका सेल्फ वेट ऑफ कॉलम फिटिंग, जो आपकी फिटिंग है उसका सेल्फ वेट, अब सेल्फ वेट तो हमें स्टार्टिंग में पता नहीं रहेगा ना, क्योंकि ना तो हमारे पास में उसकी बैक है ना हमारे पास में उसकी साइज है, तो अप्रोक्सीमेटली हम उसको 10% ऑफ द लोड ऑन द कॉलम का एज्यूम करते हैं, अप्रोक्सीमेटली जनरली इसी के अंदर फिट बैठ जाता है हमारा जो साइज हम निकालते हैं वो 10% के अंदर आ जाता है, क्योंकि अगर ये इससे ज़्यादा हो जाता है भार तो हमारे लिए दिक्कत है, लेकिन इसके अंदर रहता है तो हमारी फिटिंग वो सेफ डिजाइन करेगी।
नॉट जो है आपका यहाँ पे ये है सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल की, आपकी सॉइल सेफ बियरिंग कैपेसिटी जो होगी वो आपको गिवन है, ठीक है। और अगर नहीं भी ये हम निकाल सकते हैं सॉइल मिनिमम या आपने पढ़ा होगा। अब आती है बात कि हमने एरिया निकालनी है, एरिया निकालने के बाद हमको डिसाइड करना है कि हमको स्क्वायर फिटिंग यूज करनी है या रेक्टेंगुलर फिटिंग यूज करनी है। इसका जनरल प्रिंसिपल ये होती है कि जिस रेशियो में कॉलम आपका बना हुआ है उसी प्रपोर्शन में आप फिटिंग को डिजाइन कर लीजिए। जैसे कि आपकी अगर कॉलम स्क्वायर है तो आप फिटिंग भी स्क्वायर डिजाइन कीजिए, और अगर आपकी कॉलम जो है वो रेक्टेंगुलर है तो आप उसी प्रपोर्शन में फिटिंग भी रेक्टेंगुलर डिजाइन कर सकते हैं। स्क्वायर होगी तो आपको सीधा अंडर रूट लेना है साइड। अब अगर रेक्टेंगुलर है तो आप एक डायमेंशन एज्यूम कर लीजिए, दूसरी डायमेंशन आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको उसी कॉलम के रेशियो में लेना है, जैसे जो भी ए बाई बी कॉलम ले रखा है उसी रेशियो में भी निकाल सकते हैं दोनों डायरेक्शन एक्स और वाई। अब ये निकालिए, इसके बाद में हमने साइज भी डिफाइन कर ली हमारी फिटिंग की क्या साइज रहेगी। अब उस साइज के अकॉर्डिंग हमको उसके जो एक्चुअल सॉइल प्रेशर आ रहा है वो निकाल। एक्चुअल सॉइल प्रेशर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो लोड है कॉलम का वो वर्किंग लोड है या डिजाइन लोड है ये हमको डिसाइड करना है। अगर वो वर्किंग लोड है तो उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी को मल्टीप्लाई करा देना है और डिवाइड कर देना है आपको किससे, एक्स वाई आपकी जो साइज आपकी फुटिंग है उससे आपको डिवाइड कर देना है। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, पी यू आ जाएगा, ठीक है। पी यू आपका है सॉइल प्रेशर जो इसके ऊपर आ रहा है और वो भी फैक्टर, ठीक है। डब्ल्यू सी हमने पहले डिफाइन कर दिया था लोड ऑन कॉलम, एक्स आपकी शॉर्ट के डायरेक्शन में होगी थ्रू वाई की लॉन्ग डायरेक्शन। अब बात करते हैं कि हमारी जो फिटिंग में हमने डिजाइन की है उसकी डेप्थ कैसे निकालें। तो डेप्थ निकालने के लिए कोड ने हमको जो तीन क्राइटेरिया बताए कि जिन तीन क्राइटेरिया को हमको सेटिस्फाई कराना है उसी को हम रिवर्स कैलकुलेशन करते हुए चलेंगे। उन तीनों क्राइटेरिया से हम डेप्थ निकालेंगे और जिन तीनों में से जो हाइएस्ट वैल्यू होगी उसको हम एडजस्ट कर लेंगे, वही हमारी फिटिंग की डेप्थ हो जाएगी। तो सबसे पहले कोड ने कहा कि वन वे शेयर, वन वे शेयर कहाँ पर लेते हैं, वन वे शेयर हम लेते हैं कॉलम के फेस से डी दूरी पर, और डी जो है आपकी इफेक्टिव डेप्थ ऑफ कॉलम। अब यहाँ पे हमको सबसे पहले चाहिए हेज पोर्शन का, ये हेज पोर्शन क्या है इसका ए। तो हमने पहले ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ निकाली थी, ये आ गई आपकी एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए टोटल हो गई ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से, इसकी आधा इधर है या आधा इधर है तो एक्स माइनस ए बाई टू, और इसमें से डी कटा दिया तो हमारे पास ए डायमेंशन आ गई और इससे मल्टीप्लाई करा देने के लिए। शियर फोर्स आपका क्रिटिकल सेक्शन कौन सा है, ये पूरी जो ये लाइन दिखा रही है डी डिस्टेंस, ये आपका क्रिटिकल सेक्शन है। तो हमने इस पूरे का एरिया निकाल लिया, पूरे का एरिया गया वाई इंटू एक्स माइनस ए बाई टू माइनस डी। इसको हम जो हमने अभी इससे पहले एक्चुअल फैक्टर सॉइल प्रेशर निकाला उससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास टोटल शियर फोर्स आ जाएगा वी। अब ये शियर फोर्स तो हो गया एक्टिव जो कि लग रहा है, रेजिस्ट कौन करेगा, रेजिस्ट करेगा हमने वन वे शेयर के थ्री डी डायग्राम में देखा था। ये जो फेस है यहाँ पे है, अब यहाँ पे फेस के लिए हम फेस क्या है कंक्रीट। अब कंक्रीट की खुद की जो शेयर स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, दैट इज कॉल्ड टाउ सी, और डी क्या हो गई सबसे ज्यादा। अब टाउ सी अपने को निकालनी है, तो टाउ सी कैसे निकालते हैं, हमने बीम के शेयर डिजाइन में पढ़ा था टाउ सी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए कि हमारे बीम के अंदर कितना रिइंफोर्समेंट लगा हुआ है। इसी प्रकार से हमको भी फिटिंग का रिइंफोर्समेंट चाहिए, तब हम डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ फिटिंग निकाल पाएंगे इस कॉन्क्रीट की खुद की, खुद कॉन्क्रीट खुद कितना शेयर ले सकती है। लेकिन अभी हमको पता नहीं है कि टाउ सी कितना है, अभी हमको टाउ सी कितना है वो पता नहीं है, क्योंकि हमको रिइंफोर्समेंट कितना लगेगा वो पता है। तो हम क्या करेंगे कि हम जो टाउ सी है वो एक जनरल मिनिमम कैटेगरी के लिए एज्यूम करेंगे। तो यहाँ से हमने टाउ सी इंटू डी ये हो गया, ये तो रजिस्ट करने वाला फोर्स हो गया और ये लगने वाला फोर्स हो गया। इसमें अननोन क्या बचा आपका, सिर्फ और सिर्फ अननोन बचा है यहाँ पे डी, यहाँ पे अननोन बचा आपका ये डी, जो भी अननोन है इस डी को आपको निकालना है। और टाउ सी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही से वहाँ से निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये अंदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे तो आपका एक्सप्लेन करेंगे। अब टू वे शेयर क्राइटेरिया, टू वे शेयर क्राइटेरिया क्या है आपका, टू वे शेयर क्राइटेरिया है पंचिंग शेयर। इसके अंदर जो आपका फेस से डी बाई टू डिस्टेंस को पूरी पेरिफेरी के अकॉर्ड अलाउंस लेना है, तो आप सबसे पहले ये एरिया निकालना पड़ेगा कितने पूरा इस एरिया को, ये पूरा एरिया तो इसका एरिया कितना है, ये एरिया हो जाएगा आपका टू इंटू ए प्लस बी प्लस टू बी, दोनों साइड से
डायमेंशन मिला दिया है तो ये आपका टोटल एरिया हो गया। अब आपका क्रिटिकल सेक्शन पे ये तो रेजिस्ट करने वाला एरिया होगा, ठीक है, ए प्लस बी प्लस टू डी, दोनों साइड की टू डी डेप्थ हो गई इसकी और इसका ड्रॉप, ठीक है। पंचिंग शेयर कितना हो गया, पंचिंग शेयर इस पूरे एरिया का लेंथ ये आ जाएगा आपका एक्स माइनस एक्स वाई, एक्स वाई टोटल एरिया हो गया माइनस ए प्लस बी, ए प्लस बी, डी बाई टू डी बाई टू, ये टोटल डिस्टेंस हो गई ए प्लस बी और ये टोटल डिस्टेंस हो गई आपकी बी प्लस बी। तो ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस बी मतलब पूरे इस वाले रेक्टेंगल का एरिया और एक्स इंटू वाई हो गया आपका टोटल इस रेक्टेंगल का एरिया। एक्स इंटू वाई में से कितने का एरिया बता दिया तो बच जाएगा आपका पूरा ये मतलब ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। ये ये हो गया आपका कितना शेयर को लग रहा है और किसको हम किससे कर रहे हैं जो हमारा रजिस्ट्रिंग सोर्स, तो रजिस्ट्रिंग आपका कितना हो गया टाउ सी इंटू एरिया, ठीक है, टाउ सी इंटू टू इंटू ए प्लस बी, टू इंटू ए प्लस बी, ये जो आपकी पूरी कंट्री शेयर की डेप्थ है ये है, तो ये पूरी एरिया कितना हो गया इसकी खरीदी हुई परिधि निकालनी है, इसको निकालिए परिधि निकालनी, ठीक है, परिधि को इसकी लहराई डी से गुणा कर दिए और टाउ से गुणा कर दिए तो टोटल शेयर फोर्स रेजिस्ट वाला एक लग गया। यहाँ पे जो टाउ से लेना है वो अपने को लेना है टू फाइव अंडर रूट एस टी, ये पंचिंग शेयर का ये क्राइटेरिया पब्लिक इलेक्ट्री क्लॉज में दे रखा है कि जो आपका पंचिंग शेयर में शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्फिट लेनी है कितनी लेनी है 0.25 एस टी। अब दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास में डी एन हम हमको निकालना बेंडिंग मोमेंट के क्राइटेरिया से हमारी जो डेप्थ आएगी वो कितनी आएगी कितनी की, तो वो निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो डेटा है कि जो आपको बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है उसको कैलकुलेट करना है वो फेस ऑफ दी कॉलम, मतलब इस हेज पोर्शन को सूर्य को आपको एरिया निकालना है और उसको मल्टीप्लाई करना है जो आपने सॉइल प्रेशर निकाला फैक्टर सॉइल प्रेशर एक्चुअल, तो ये क्या हो जाएगा ये डायमेंशन आ जाएगी आपकी एक्स माइनस ए बाई टू, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका नीचे से जो टोटल प्रेशर जनरेट हो रहा है वो और x माइनस ए बाई फोर का डिस्टेंस हो गई यहाँ पे, ये टोटल एनर्जी मीडियल हो जाएगा और x कहाँ करेगा सेंटर पे एक्ट करेगा, तो सेंटर पे डिस्टेंस हो जाएगी x माइनस ए बाई टू बाई टू, तो ये हो गया आपका x माइनस ए बाई फोर को इक्वल टू करेंगे तो कितना आएगा टू वी बाई एट एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, y डायरेक्शन में इसी तरीके से निकालने में हो जाएगा टू वी अपॉन एट y माइनस टू स्क्वायर, दोनों डायरेक्शन में निकालना है एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, अगर स्क्वायर होगी तो एक डायरेक्शन में जो आएगा दूसरा सेम डायरेक्शन में भी वही हो जाएगा, ठीक है। अब आपको निकालना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सेक्शन, इस सेक्शन का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होंगे, तो जैसे पढ़ते आ रहे हैं 0.36 एफ सी के एक्सी लिमिट यहाँ पे डी भी आ गए, डी अननोन है बाकी सब हमको पता है, एक्सी लिमिट बाई डी हम निकाल सकते हैं एफ सी हमको पता है, ठीक है, ये आपका कंप्लीट तीनों में से जो भी डायमेंशन आई मैक्सिमम वो हमको डायमेंशन लेनी है। अब ये इतना सब करने के बाद में हमारा एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट कितना देना है, बहुत एरिया रेनफोर्समेंट निकालने का सिंपल मैक्सिमम वैल्यू मोमेंट कोई और आपको उसको इंक्लेट कर देना है 0.87 एफ सी, यहाँ से एफ सी स्क्वायर के अंदर क्वांटिटी इक्वेशन बनेगी उसको आपको सॉल्व कर लेना, यहाँ पे टिपिकल डायग्राम दे रखा है रेनफोर्समेंट डिटेलिंग का, इसमें क्या दिखा रखा है ये जो नीचे दे रखा है फुटिंग रीइंफोर्समेंट मेन रीइंफोर्समेंट क्लियर कवर बता रखा है 50 mm, इसके नीचे हम लीन कंक्रीट करते हैं ये जो 150 mm से कम नहीं होनी चाहिए, 500 mm की यहाँ पे डेवलपमेंट क्लियर कॉलम के लिए बता रखा था 40 क्लियर कवर, लाइन में अगर देखें तो इस बार के अलॉन्ग जो लाइन है यहाँ पे टेपर इसलिए किया क्योंकि बैंडिंग मोमेंट आपको मैक्सिमम आएगा और यहाँ पे मिनिमम आएगा तो इतनी अननेसेसरी कंक्रीट देने का फायदा नहीं है इसलिए हमने यहाँ पे टेबल, ठीक है, कुछ रेफरेंसेज मैंने जो स्लाइड्स को बनाने में प्रेजेंटेशन को बनाने में ये वो अपना सबसे बेसिक आई एस होता है कि
और इसके अलावा आज के भी डिजाइन एंड ड्राइंग मतलब शर्मा की किताब है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस पर गाइज हम न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो कृपया नेक्स्ट लेक्चर में जरूर आप सब उसको देखें और इस लेक्चर को अच्छी तरीके से देखने के बाद में अगले लेक्चर